तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है एक्चुअल में। तो रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम को करना होता है। एक्चुअल में डेरिवेशन क्या है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम उसको मैं करना होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, और आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं रदर तथा सोडी के नियम को। तो रदरफोर्ड तथा सोडी के अनुसार एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन में क्या लगा है, चर घातांक की छह नियम भी बोलते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड तथा सोडी के नियम को, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है एक छोटी सी, कि चर घातांक की छह नियम भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि चर घातांक की छह नियम क्या है समझाइए। जरूरी नहीं है डायरेक्टली ये बोला जाए कि रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि चर घातांक की छह नियम को समझाइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, चर घातांक की छह नियम भी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम ही है। तो इस नियम के अनुसार क्या बोला गया है हमसे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ये सिंपल डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी देख चुके हैं हम, और आज को डिराइव करना है एक्चुअल में, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो क्या बोला गया है, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, अच्छा रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर क्या होगी, यहाँ पे ये होता है माइनस डीएन। अब और आगे समझ आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्यों लिया गया है। ये विघटन की दर हो गई, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, रेडियो पदार्थ डीएन लिया उसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ की संख्या अगर एन है, और इसके विघटन की दर की बात करें तो एन बाय, तो माइनस डीएन अपॉन डीटी, यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि यह समय के साथ विघटन की दर को विघटन की दर में कमी व्यक्त करेगा, ऐसा बोला गया है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आया हुआ है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। माइनस डी एन अपॉन डी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और एन यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों की संख्या। तो माइनस अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये होता है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। और इसको किस तरह से हम आगे देखते हैं, और इसको हमें डेराइव भी करना है, तो देखते हैं हम। ये देखिए, तो यहाँ पे बोला गया चर घातांक की छह नियम क्या होता है, किसी क्षण रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। मींस माइनस डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये देखिए, ये है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, या इसी को हम बोलते हैं चर घातांक की छह नियम। तो यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह या ऋणा जो माइनस का जो साइन है वो समय के साथ विघटन की दर में कमी को व्यक्त करता है, ये बोला गया है। मींस माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, और लैम्डा यहाँ पे क्यों आया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एक कोई भी आता है ही है, तो यहाँ पे लैम्डा के कैलकुलेट करने के लिए। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है एक तरह से रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम जब भी हम पढ़ते हैं, तो क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो
एक ही पदार्थ के लिए छह नियतांक का मान नियत होता है, ऐसा भी बोला गया। देखिए, एक ही पदार्थ के लिए छह नियतांक का मान नियत होता है, परंतु अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अगर किसी एक ही पार्टिकुलर पदार्थ की बात की जा रही है तो छह नियतांक लैम्डा की वैल्यू सेम ही होगी, लेकिन अगर अलग अलग पदार्थ की बात की जा रही है तो लैम्डा की वैल्यू वहां पे चेंज होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां से हम देखिए, अब यदि ये देखिए dN अपॉन dt माइनस dN अपॉन dt, ये तो होता है रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, माइनस dN अपॉन dt इज इक्वल्स टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ऐसा बोले। और यहाँ पे माइनस dN अपॉन dt ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा लैम्डा एन। और यहाँ पे लैम्डा एन, लैम्डा छह नियतांक होता है ये हमें पता है। और यहाँ से देखिए इस माइनस को हम इस साइड ले जाएंगे तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाता है माइनस लैम्डा एन। ये देखिए यहाँ से आगे इस माइनस को इस साइड लेके जाएंगे तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा एन। और आगे क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से हो जाता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। तो डी एन अपॉन इस एन को लेके आएंगे यहाँ डी एन के अपॉन में, तो ये हो जाएगा डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू, और यहाँ से डी टी को लेके जाते हैं इस साइड, तो ये हो जाता है लैम्डा डी टी, सॉरी माइनस लैम्डा, और डी टी को लेके जाएंगे इस साइड तो ये हो जाएगा टी टी। और यहाँ पे बोला गया है देखिए, यदि टी इज इक्वल टू 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या एन 0 हो तथा टी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या एन हो, तो एन 0 टू एन डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। और यहाँ पे ये देखिए टी के साथ यहाँ लैम्डा इंटू टी नहीं, लैम्डा इंटू डी टी है यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है, लैम्डा टी नहीं लैम्डा इंटू डी टी होगा, माइनस लैम्डा इंटू डी टी होगा यहाँ पे। तो यदि टी इज इक्वल टू 0 समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या एन नॉट हो तथा टी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या एन हो, तो अब देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, डी एन अपॉन एन टी इज इक्वल टू 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या एन 0 हो। तो देखिए यहाँ पे 0 लिमिट लेंगे 0 टू टी इस साइड, और यहाँ पे एन 0 से एन हो रही है तो एन 0 से एन सक्रिय नाभिकों की संख्या, तो यहाँ पे लिमिट लेंगे एन एन नॉट से एन तक और यहाँ पे 0 टू टी तक। तो आई होप लिमिट किस तरह से हमें लेनी है ये आपको समझ आ गया होगा। तो लिमिट अंडर लिमिट एन नॉट टू एन डी एन अपॉन एन का इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू माइनस लैम्डा, कांस्टेंट है इसको हमने बाहर लिया, और ये 0 टू टी की लिमिट में हम डी टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा लॉग ई बेस एन एन नॉट टू एन, ये हो जाएगी लिमिट हमारी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और डी टी का इंटीग्रेशन हुआ टी और लिमिट 0 टू टी। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो लॉग एन लिमिट पुट करेंगे तो लॉग एन माइनस लॉग एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी माइनस 0, और यहाँ से ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग ई बेस एम अपॉन एन, ये हो जाता है। तो यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा लॉग एन, और ये हम लॉग की प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो ये हो जाता है लॉग, और यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हम लॉग एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी लॉग एन अपॉन एन नॉट। और एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये देखिए, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट, यहाँ से देखिए आगे इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, तो ये हो जाता ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो यहाँ से एन इज इक्वल टू हो जाएगा
इक्वल्स टू एन नॉट, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। देखिए एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो गया। और यहां से क्या बोला गया है, देखिए एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो यह एक चर घातांकी समीकरण है, यही होता है चर घातांकी नियम। और अर्थात इस चर घातांकी समीकरण से यह स्पष्ट है कि समय के साथ सक्रिय नाभिकों की संख्या चर घातांक के रूप में कम होती है। ये देखिए n इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिल जाता है जहां से हम क्षय नियतांक लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नाभिकों की संख्या एन नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, बचे हुए नाभिकों की संख्या एन कैलकुलेट कर सकते हैं और टी, ये सारा कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये नियम समझ आया होगा कि एक्चुअल में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।